नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष, आप देख रहे क्वेश्चन आर भारत। इस वीडियो में आपको एक हिंदू यूनिटी का या हिंदू यूनिटी के ना होने का सबूत और मुस्लिम यूनिटी जो कि गलत में भी मुसलमानों का साथ देती है, वो ब्रदरहुड उम्मा, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साउथ में कुछ होता है तो नॉर्थ वाले सोचते हैं कि बहुत दूर है, साउथ में हो रहा है, वहाँ के लोग जाने। नॉर्थ में कुछ होता है, बहुत कुछ हो चुका है, तो साउथ से कुछ खास आवाज़ नहीं निकलती, ना ईस्ट से, वैसे कहीं से कुछ नहीं निकलती। अभी का एक एग्जांपल है, मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, असैफ्रन सोल्जर नामक पेज है, उन्होंने लोगों से बैग किया है कि भाई आप लोग शेयर करिए इस घटना के बारे में, सबको बताइए। मैं आपसे भी बैग कर रहा हूँ, आप जो व्यूअर हो, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को डाउनलोड करके फेसबुक पर शेयर करिए, जहाँ आपको शेयर करना है करिए, इस लिंक से लेके जहाँ जो जो कंटेंट का इस्तेमाल आप जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, सपोर्ट के लिए करिए। इस वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है और क्या लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, आप यहाँ देख भी सकते हैं। अकॉम्पेंड बाई ए लार्ज पुलिस फोर्स टू सप्रेस एनी रेजिस्टेंस फ्रॉम हिंदू डिवोटी, द मदुराई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तमिलनाडु डिस्ट्रॉयड अ हिंदू टेम्पल। लोकेशन क्या है? यंगीपति विलेज, उठाकड़ी, मदुराई डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। तमिलनाडु में किसकी सरकार है? स्टालिन की, डीएमके। अच्छा, अब कुछ चीज़ें सोचने वाली हैं। कहने को सेंटर में एक हिंदुत्ववादी लीडर बैठा हुआ है, ठीक, तब भी एक भारत के राज्य में ये घटना हो जाती है, ठीक। भारत में 80% के आसपास आबादी हिंदुओं की है, हिंदू मेजॉरिटी नेशन है, एक्सेप्टेबल। 1947 में जब डिवाइड किया गया, पार्टीशन हुआ, इस बेसिस पे हुआ कि मुसलमानों को अपना एक देश चाहिए, मुसलमानों को अपनी आइडेंटिटी के ऊपर एक देश चाहिए जहाँ पे वो मुस्लिम ब्रदरहुड दिखा सकें, मुसलमान अलग रह सकें। तो ऑटोमेटिकली ये हिंदुओं के लिए एक देश बन जाता है, ऑटोमेटिकली बाई प्रोडक्ट बन जाता है। अब वो कुछ गधे आके कहेंगे कि हमने चुना कि इसको सेकुलर बनाएंगे, हमने चुना कि हम सेकुलर नेशन में रहेंगे, सेकुलर था इसलिए हम आ गए, रिलीजन बेस्ड नहीं था इसलिए नहीं आए, वगैरह वगैरह, वो फालतू के शिट्स है, मैं उससे कोई मतलब नहीं रखता। ये एक हिंदू राष्ट्र है, रॉक सॉलिड है तो है। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी सारी चीज़ों के एग्जिस्ट करने के बावजूद, हमारे पास एक टूल नहीं है जो हमें यूनाइट कर सके। हम जात पात पे बढ़ जाते हैं, हम दूरी जो है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की दूरी कितनी दूरी है। भारत को जब हम राष्ट्रगान पे खड़े होते हैं तब एक चीज़ है ना जो हमें यूनाइट करती है। अगर आपको लगता है कि नॉर्थ में कुछ हो रहा है साउथ को क्या मतलब है, साउथ में कुछ हो रहा है नॉर्थ को क्या मतलब है, तो शिवाजी नॉर्थ में क्यों है लड़ाई करने? तो महाराणा प्रताप ने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर लिया नॉर्थ से लेकर साउथ में? चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा कैसे कर लिया? किसी को मतलब ही नहीं होना चाहिए फिर साउथ से, किसी को मतलब ही नहीं होना चाहिए नॉर्थ से, लोग आए, लोग लड़े। तो अगर आप उन लोगों से प्रेरणा लेते हो तो आप भी एक हिंदू यूनिटी दिखाओ, सबको हिंदू स्वराज ही बनाना था। मेरी रिक्वेस्ट है नॉर्थ इंडियन से, साउथ इंडियन से, मंदिर टूटा है, साउथ इंडिया ही एकमात्र ऐसी जगह बचा हुआ जहाँ पे इन्वेडर्स के आक्रांताओं की नज़र मतलब पड़ी तो, लेकिन ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। वहाँ जो एंशियंट आर्किटेक्चर बचा हुआ है बस वहीं बचा हुआ है। पूरे भारत में बहुत बड़े बड़े अटेम्प्ट किए गए हैं बड़े बड़े पुराने पुराने मंदिरों को तोड़ने के, और आए दिन देखने को मिलता है आंध्रा में और कहाँ कहाँ कि मूर्तियों के गले काट दिए जाते हैं, तमाम मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं, तमाम मंदिर तोड़े गए, कोई नई बात नहीं। मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट आपसे है कि थोड़ा इन सब मामलों में यूनिटी दिखाइए, बात को दूर तक पहुंचाइए, और एक ही कड़ी है जो सबको जोड़ती है पूरे भारतवर्ष में, वो है आपका हिंदू होना। तो ऐसे मौक़ों पे थोड़ा सेंसस से काम लीजिए, हिस्ट्री को मत भूलिए कि जब जब आप बटे हैं, जब जब ये जो मुट्ठी है खुली है तो ये टूटी है, मुट्ठी बांधिए, हिंदू बनिए, इस मंदिर के टूटने पर विरोध करिए, क्योंकि आपने जब जगनमोहन रेड्डी की सरकार में जो इतने सारे मूर्तियाँ टूट रही थी उनके स्टेट में, तब आपने कुछ विरोध नहीं किया। पुजारी राम जी की मूर्ति का सर हाथ में लेकर होता हुआ जा रहा है, हिंदू समाज ने कोई विरोध नहीं, और आज आप फिर देखते हो कि अचानक से एक मंदिर टूटता है प्रशासन के संरक्षण में, और आप अभी भी कुछ नहीं कर रहे। मेरा काम है बात को आप सब तक पहुंचाना, आपसे रिक्वेस्ट करना, अगर आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये सुना ही होगा। तो अगर आप चाहते वो वाली हिस्ट्री रिपीट हो जहां मुगलों को खदेड़ा गया था, आक्रांताओं को खदेड़ा गया था, या फिर आप चाहते हो कि वो वाली हिस्ट्री रिपीट हो जहाँ मुगलों ने हिंदू महिलाओं के साथ वो हरकतें की जिस वजह से आज के मुसलमान अपने आप को उनके वंशज बताते हैं, तो फर्क है इस बात का। डिसाइड करिए आपको क्या करना है, कहीं देर ना हो जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।